बच्चों, आज हम आपके सामने जो चीज लेके आए हैं वो है डीएलएड का, सॉरी, बीए फर्स्ट ईयर का एक टॉपिक है छोटा सा, वनस्पति विहीन अवस्था। ये है पर्यावरण भूगोल में। तो एक बालक को इसमें दिक्कत आ रही थी कि वनस्पति विहीन अवस्था क्या होती है, तो हम ये चीज आपके सामने लेके आए हैं। वनस्पति विहीन अवस्था, फेज ऑफ न्यूडेशन। वनस्पति विहीन अवस्था में वनस्पति का अभाव पाया जाता है, जैसा कि नाम से विदित है। वनस्पति विहीन अवस्था यानी कि जहाँ पे वनस्पति विहीन हो, यानी कि नहीं हो, या वनस्पति का अभाव हो। इसमें जीवन किसी भी रूप में नहीं पाया जाता। जब वनस्पति नहीं होगी तो वहाँ पर जीवन कैसे मिलेगा? न तो पशु पक्षी रह सकते हैं, न इंसान रह सकता है, न जानवर रह सकते हैं, और न ही पेड़ पौधे वहाँ पे उग सकते हैं, तो जीवन भी वहाँ पे नहीं होता है। यह अवस्था भू आकृति, फिजियोग्राफिक, जलवायु संबंधी तथा जैविक कारकों के कारण विकसित होती है। भू आकृति यानी कि हमारी पृथ्वी की जो आकृति है, जो फिजिकल बॉडी है हमारे पृथ्वी की, उसके कारण जलवायु संबंधी दशाएं, जैसे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो, वहाँ पर पेड़ पौधे नहीं पनप सकते हों, जीवों का रहना संभव नहीं हो, तथा जैविक कारकों के कारण विकसित होती है। इन क्रियाओं में भूस्खलन, बाढ़, अपरदन, निक्षेप, सूखा, वनोन्मूलन आदि प्रमुख है। या तो वहाँ पे भूस्खलन होता हो, यानी कि लैंडस्लाइड, भूमि का टूट के नीचे की ओर गिरना, भूमि स्खलन, या बहुत तेज बाढ़ आती हो, आए आए दिन, हर साल एक दो साल में बाढ़ आती रहती हो, मिट्टी का, जल का और हिमानी का, या किसी भी तरह का अपरदन होता हो। अपरदन वो होता है यानी कि एक जगह से चीज उड़कर किसी भी प्रेशर से, हवा के से, पानी के से दूसरी ओर चली जाए, जैसे चट्टानों का उड़ना, ठीक है, या उनका कोमल पार्टिकल का टूट कर बिखर जाना, या एक जगह से दूसरी जगह चले जाना। निक्षेप यानी कि किसी जगह उनका जमाव होना। सूखा, सूखा पड़ना, सूखा वहाँ पे पड़ता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में टेम्परेचर होता है, जलवायु सही नहीं होती है और मिट्टी अच्छी नहीं होती है। तब जलवायु सही नहीं होगी तो मिट्टी कहाँ से अच्छी होगी, क्योंकि उसे नमी नमी नहीं मिलेगी मिट्टी को प्रॉपर, तो उसमें खनिज वगैरह ये पूरी तरह से पनप नहीं पाएंगे, ठीक है। तो मिट्टी को पानी मिलना बहुत ज़रूरी है, अन्य मिनरल भी मिलना जरूरी है, सभी कुछ मिलना जरूरी है। जब वो सब नहीं मिल पाते हैं तो वहाँ सूखे की अवस्था हो जाती है, खेती नहीं कर सकते हैं। वनोन्मूलन, जहाँ पे जंगल को काट दिया गया हो, वनों का नाश कर दिया गया हो आदि प्रमुख है। तो इसका मतलब यही है कि वनस्पति जहाँ पे नहीं हो सकती है ना, जहाँ पे वनस्पति का अभाव पाया जाता है, कौन कौन सी चीजें? भूस्खलन है, बाढ़ है, अपरदन है, निक्षेप है, सूखा है और वनोन्मूलन। इसके अलावा अन्य भी ऐसी बहुत सी क्रियाएं हो सकती है जिनकी वजह से वनस्पति नहीं पैदा होगी, ठीक है। तो इसी को हम वनस्पति विहीन अवस्था कहते हैं। मुझे उम्मीद है बच्चों आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अगली आपको कोई परेशानी हो तो हमें कमेंट करके बताएं, ताकि हम अगला वीडियो डाल सकें। तब तक के लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।